आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर में एक युवक पर पहले बदमाशों ने हमला किया और फिर इलाज में देरी के चलते युवक की मौत हो गई। मामला गढ़ा थाना इलाके का है, जहां देर रात 3 बदमाशों ने गोलू विश्वकर्मा को चाकू घोंप दिया था। पीड़ित को उपचार के लिए तत्काल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया। यहां पर उसका प्राथमिक उपचार तो हुआ, लेकिन गंभीर हालत में होने के बावजूद उसे वेंटिलेटर नहीं मिल पाया। आनन फानन में गोलू के परिजन उसे निजी अस्पताल मेट्रो से लेकर पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और अस्पताल में उसे जगह नहीं मिली। आखिरकार परिजन उसे सर्वोदय अस्पताल ले आए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद सवाल यह उठता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर नहीं और निजी अस्पताल में जगह नहीं, ऐसे में गंभीर मरीजों की मौत के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए। बहरहाल पुलिस ने मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है और वारदात में शामिल तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी, रात में 11 बजे करीब महिलाएं हरतालिका व्रत की पूजा कर रही थी गंगा सागर और सियालदह चौक रोड में पीली बिल्डिंग के पास में सिंगराहा परिवार के महिलाएं, वहां पर 2-3 युवक गाली गलौज करते हुए जा रहे थे, जिनको सिंगराहा परिवार और वहां के स्थानीय निवासियों ने बोला गाली गलौज मत करिए, पूजा पाठ हो रही है। इसी बात पे वो 3 लोग जो हैं अपने हाथ में पत्थर लेके मारपीट करने के उतारू हुए और चाकू भी लिए हुए थे। वहाँ ये झगड़ा देखते हुए एक लड़का जो आनंदपुर फुलवारी का रहने वाला था, वो वहाँ अपने दोस्त के आया था, वो साइड में खड़ा था, तो उसके जांग में गहरा चाकू का मारे, जिससे उसको हैवी ब्लीडिंग हुई। उसको तत्काल स्थानीय निवासियों ने मेडिकल कॉलेज ले गए और वहाँ पर वेंटिलेटर और उसकी सुविधा न होने से इनको प्राइवेट अस्पताल मेट्रो ले गए। मेट्रो में भी इनको जगह नहीं मिली तो सर्वोदय अस्पताल में रात में भर्ती कराया गया, जहां आज इलाज दौरान मृत्यु हो गई है। रात में ही 3 आरोपी धनंजय टुल्लू और गोविंद और अपूर विशाल की विरुद्ध 307 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था और आज अब मर्द पंचनामा में कार्रवाई के बाद उनके 302 की कार्रवाई की जा रही है। जो मृत हुआ था क्या नाम? गोलू विश्वकर्मा, 29 साल, ये ड्राइवर भी का काम करता है।